आज हम जनरल वायरोलॉजी जो है उससे निकल कर हम स्पेशल में आएंगे। जनरल वायरोलॉजी में हमने वायरसेस की स्ट्रक्चर पढ़ा, वायरसेस की सिमेट्री पढ़ी, हमने एनवेलप नॉन एनवेलप पढ़े, फिर हमने वायरल रेप्लिकेशन पढ़ी और वायरल रेप्लिकेशन में बड़ी डिटेल और डेप्थ में गए। उसके बाद हमने वायरल पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा टच किया, वायरल वैक्सीन्स देखी। अभी एक टॉपिक है जो आप लोगों का जनरल वायरोलॉजी का लैब डायग्नोसिस है और वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बिना लेके लेक्चर से लेकिन आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू स्पेशल वायरोलॉजी। अच्छा जी हाँ जी, अभी भी डिस्ट्रप्शन है ऑडियो में, इज देयर एनी डिस्ट्रप्शन? तो अब हम जो स्पेशल वायरोलॉजी है उसमें वी वुड मूव ऑन। स्पेशल वायरोलॉजी में डिस्टॉर्शन बहुत है, अच्छा अभी डिस्टॉर्शन है, इस वक्त है बैकग्राउंड वॉइस, ये डिस्टॉर्शन अभी वॉइस पूरी है, सही है कि अभी कम है? ओके, बैकग्राउंड नॉइज अभी भी है या अभी कम है? चलो ठीक है। ओके, स्पेशल वायरोलॉजी में हम अच्छा अब हम इसमें चल रही है हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस पूरा एक ग्रुप है और इस ग्रुप में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस हैं। साफ सी बात है ये काफी बड़ा ग्रुप है, दैट्स व्हाई हम इसको सारे का सारा तो नहीं आज पढ़ेंगे, हम इसमें से कुछ जो है वो टॉपिक्स है वो गो थ्रू करेंगे। इसमें जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले हर्पीस की, हर्पीस वायरस में जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले जो जीन प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें वही रिपीट होंगी जो कि हमने जनरल वायरोलॉजी में मिसाल के तौर पर नंबर वन एनवेलप डीएनए वायरस। तो ये डीएनए वायरसेस हैं और ये एनवेलप है, ये बात आपको याद है कि वायरसेस में यह न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है या डीएनए। दूसरी चीज इसकी सिमेट्री, ये आइकोसाहेड्रल होते हैं, इसका मतलब है पूरी फैमिली में जितने भी वायरस हैं वो आइकोसाहेड्रल हैं। तीसरी बात आपने डीएनए वायरसेस में पढ़ी भी है कि इनका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक हो गया? तो डीएनए वायरसेस में आमतौर पर जीनोम जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड। इसके अलावा दे आर लार्ज, 120-200 नैनोमीटर डायमीटर, सेकंड इन साइज ओनली फॉर बॉक्स वायरस। इसके अलावा डीएनए वायरसेस में आपने एक और चीज पढ़ी भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेप्लीकेट करती है न्यूक्लियस। इनफैक्ट दे आर दी ओनली वायरस which develop and envelop by budding from the nuclear membrane. आपको पता होगा कि मैंने enveloped viruses की replication में बताया था कि ये सारे के सारे viruses की जो budding होती है तो उनकी जो membrane होती है वो outer cell membrane है, लेकिन वाहिद herpes virus है जिनमें outer membrane is formed by budding from the nuclear membrane. एक और इम्पोर्टेंट बात इस इन सारे वायरसेस की, हर्पीस वायरस की, ये है कि दे कॉज लेटेंट इन्फेक्शन, यानी फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो गया उसके बाद ये बॉडी में रहेगा और बॉडी के अंदर अल्टीमेटली साइलेंट स्टेट में रहेगा और बाद में कभी किसी फैक्टर की वजह से री इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है? एनीवे ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। अच्छा, हर्पीस वायरस की पूरी फैमिली है दैट कॉमनली इन्फेक्ट ह्यूमंस और इनको हम नंबर करते हैं, नंबरिंग इनकी होती है। नंबरिंग इनकी होती है ह्यूमन हर्पीस वायरस 1, HHV1, 2, HHV8, मतलब 1 से लेकर 8 तक इनकी नंबरिंग करने की होती है, लेकिन हम इस तरह इनको नाम नहीं देते, दे आर रेफर्ड टू बाय द इंडिविजुअल वायरस नेम्स, तो ये इनके नाम होते हैं। ये आपके सामने 8 नाम हैं तो सारे के सारे हर्पीस फैमिली के। आज हम इस लेक्चर में 1, 2 और 3 पढ़ेंगे।
इसमें सबसे पहले herpes simplex virus type 1 है, herpes simplex virus type 2 है, फिर varicella zoster virus है, फिर cytomegalovirus, virus, Epstein-Barr virus, herpes virus 6, 7, herpes virus 8, HHV 8, also known as Kaposi sarcoma associated herpes virus. इसमें आमतौर पर जो आप लोग पढ़ते हैं कोर्स में वो ये पहले पांच और लास्ट फोर, और ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट है ये पहले पांच ही. तो इसमें अगर हम एक ओवरव्यू लें इन सारे वायरसेस का बिफोर वी गो इनटू डिटेल, तो इन जनरल herpes simplex virus type 1 और 2 और varicella zoster virus, इन तीन को मैंने खास हाईलाइट किया हुआ है. They cause a vesicular rash. Rash होती है जैसे दाने बन जाते हैं, और vesicular से मुराद vesicle होता है, और vesicle से मुराद होती है कि इनमें जो दाने होते हैं उनमें पानी होता है. हम कहते हैं कि fluid filled sac. Both in primary infections and in reactivation, meaning कि primary infection जो first time हुआ और ठीक हो गए और बाद में कभी reactivate हुआ, दोनों केसेस में ये जो तीन वायरसेस हैं ये vesicular rash करते हैं. देखो क्या All right. Primary infections are usually more severe than the reactivations. The other two herpes virus, जिसमें cytomegalovirus है, Epstein-Barr virus है, ये दोनों vesicular rash नहीं cause करते. अब हमारे पास ये पांच वायरसेस हैं. पांच वायरसेस में पहले तीन मैंने vesicular rash है और आखिरी दो जो हैं उनमें vesicular rash नहीं है. इनमें हम स्किन लीजन्स की थोड़ी सी जरा सामने से बात कर लें. स्किन लीजन्स में हमारे पास ये है herpes simplex type 1, varicella zoster, तीनों के तीनों स्किन लीजन्स में वेसिकल होते हैं. और ऑन द अदर हैंड cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, इन दोनों की स्किन लीजन नहीं होती. On the other hand, human herpes virus 8 इसमें flat या nodular purple lesion होती है. ये टेबल को देख के डर ना जाए, मैं मेरा मतलब ये कोई याद करने वाली जरूरी टेबल नहीं है. मैं वैसे भी आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखेंगे तो फिर आपको आसानी होगी इस टेबल को देख के. ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है. No one is going to ask you कि आपके टेबल बनाएं. Smallpox जो इसमें दुनिया से खत्म हो चुका हुआ, उसमें से उसमें typical skin lesion pustule. एक और disease जो herpes के अंदर नहीं है, लेकिन इस chapter में लिखा हुआ है molluscum contagiosum virus, उसमें fleshy papule होती है. अब हमारे पास तीन नाम हैं. Vesicle आ गया, pustule आ गया, papule आ गया. और human papilloma virus उसमें भी papule बन जाता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि vesicle, papule और पस्टूल, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करें. ये आपके सामने डायग्राम है और ये मैं आपको शुरू में इसलिए दिखा रहा हूँ तो रीजन बी कि आपको फिर बाद में आसानी. ऑन द लेफ्ट अपर हैंड साइड यू कैन सी द टिपिकल वेसिकल्स. वेसिकल क्या होती है कि इनमें वाटर फिल्ड होता है. ये वाटर फिल्ड होता है, यू कैन सी द स्किन इज रेडिश, ये रैश है, एंड दीज आर वेसिकल्स, वाटर फिल्ड, फ्यूल फिल्ड सैक्स. On the other hand, on the lower end of the left side of the picture, ये papule होती है. Papule होती है hardened swellings, लेकिन इनमें कोई pus या fluid नहीं होता. Whenever the papule is filled with pus, उसको pustule कहते हैं. Right end पे मैंने दोनों तरफ ऊपर नीचे pustule बनाए हैं. ठीक है, तो pustule जो होती हैं, they are filled with pus. Papule are not filled with any fluid. And vesicles are filled with fluid. तो अब हम अपने सामने ये देख रहे हैं कि अपर एंड पे जो वाटर फिल्ड या जो फ्लूइड फिल्ड सैक्स हैं वो वेसिकल्स होती हैं, और herpes simplex type 1, 2, varicella zoster तीनों के पास में. ठीक है ना, तो अब हमारे सामने ये बात आ गई कि herpes की फैमिली है और हमारे पास जो पहले तीन वायरसेस हैं जो आज हमने पढ़ने हैं वो तो तीनों में इन जनरल वेसिकल्स बनते हैं. लेकिन हमें ये भी पता चल गया है कि जो papules हैं वो hardened हैं, उनमें fluid या उनमें किसी किस्म की पस नहीं होती. On the other hand, pustules में you get pus.
एक और चीज जो हर्पीज में मैंने आपको जब पैथोजेनेसिस में बात की थी, मल्टी म्यूटेटेड ब्रैक सेल्स है, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1, 2, वेरिसेला ज़ोस्टर एंड साइटोमेगालोवायरस, कितने हो गए, चार वायरस हो गए, ये चारों इंड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टी म्यूटेटेड ब्रैक सेल्स और ये बात इनके लैब डायग्नोसिस में आती है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू आता है, मिसाल के तौर पर कैप्सूल बनेगा, मल्टी न्यूक्लियेटेड जायंट सेल्स वर सीन, विच फैमिली दे बिलोंग टू, आप कह सकते हैं हर्पीस फैमिली, सो दे कैन बी सीन माइक्रोस्कोपिकली इन द लीजन। तो अगर हम लीजन की स्क्रैपिंग लें और जो फ्लूइड है वो लें और अगर उसको माइक्रोस्कोपी करें स्टेन करके, तो मल्टी न्यूक्लियेटेड जायंट सेल्स हमें नजर आते हैं। और ये है क्या, ये मैंने आपको तब भी बताया था कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनकी आपस में फ्यूजन होती है एंड ड्यू टू दैट फ्यूजन दीज मल्टी न्यूक्लियेटेड जायंट सेल्स आर फॉर्म्ड। On the other hand, Epstein-Barr virus or human herpes virus 8, Epstein-Barr virus is associated with cancer, Burkitt's lymphoma and nasopharyngeal carcinoma, और human herpes virus 8 वो कप्रोसी साथ इसका है। कई दफा ये सवाल एक आ जाता है कि आप सिंपल उन वायरसेस के नाम लिखिए जो कैंसर को करते हैं, तो आपके जेहन में ये दो वायरसेस तो यही सामने आ रहे हैं। अब हम हर्पीस वायरस की अभी भी इंट्रोडक्शन में चल रही है, क्योंकि माशाल्लाह ये इतना बड़ा ग्रुप है, पूरा चैप्टर है, तो आपके सामने सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से ग्रास्प में आपका टॉपिक आए ताकि आप आगे चलें। हर्पीस वायरस फैमिली इज सब डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, अभी तीन कैटेगराइजेशन हमने की कैसे थी, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा हर्पीस वायरस, बीटा हर्पीस वायरस, गैमा हर्पीस वायरस। ये कैटेगराइजेशन भी है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल मोस्ट ऑफन इंफेक्टेड एंड द साइट ऑफ लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है कि जहां इंफेक्शन के बाद ये साइलेंट स्टेट में रेस्ट करता पाया जाए, और टाइप ऑफ सेल क्या है, वो सेल वहां जहां ये प्राइमरीली इंफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब अल्फा हर्पीस वायरस जो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1, टाइप 2, वेरिसेला ज़ोस्टर, दे इंफेक्ट एपिथेलियल सेल्स प्राइमरीली। इसका मतलब है कि ये जो तीनों टाइप्स हैं जो आज हम पढ़ने लगे हैं, ये तीनों की तीनों इन्फेक्ट करेंगी प्राइमरी एपिथेलियल सेल्स को जो कि स्किन में होती हैं, एंड दे कॉज लेटेंट इंफेक्शंस इन न्यूरॉन्स। इसका मतलब है कि ये न्यूरॉन्स में लेटेंट स्टेट में रहेंगे, और न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो भी हैं वो वहां होंगे। ऑन द अदर हैंड, बीटा हर्पीस में जो सबसे मेन वायरस है वो साइटोमेगालो, और साइटोमेगालो वायरस के साथ ह्यूमन हर्पीस 6 है, इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल ये इन्फेक्ट और बिकम लेटेंट इन अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज, इसके मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जो गैमा हर्पीस वायरस है, इसमें एप्स्टीन-बार आता है और ह्यूमन हर्पीस 8 जिसे कर्पोसी साथ फॉर्म करते हैं, ये इन्फेक्ट करता है एंड बिकम लेटेंट प्राइमरली इन द लिम्फोइड सेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है अल्फा एपिथेलियल में लेटेंट न्यूरॉन्स में रहेगा, बीटा है वैरायटी ऑफ टिश्यूज में, और गैमा इन्फेक्ट एंड बिकम लेटेंट प्राइमरीली इन लिम्फोइड सेल्स। ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, और ये टेबल हमने एग्जैक्टली इन सब को सब डिवाइड किया हुआ है। अगेन, डोंट नीड टू मेमोराइज दिस टेबल, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए बनाएगा। इसमें सब फैमिलीज हैं, अल्फा वायरस, बीटा, गैमा, और अगर यहाँ अगर हम इसकी ग्रोथ साइकिल देखें तो अल्फा की ग्रोथ साइकिल शॉर्ट है, यानी कि ये रैपिडली रेप्लिकेट करता है, बीटा की लॉन्ग है, गैमा की वेरिएबल है। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो इस टेबल की राइट साइड में है। आप सबसे पहले अल्फा में देखिए तो तीन वायरसेस आ रहे हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1, 2, वेरिसेला ज़ोस्टर, और ये तीनों लेटेंट इन्फेक्शन न्यूरॉन्स में करते हैं। बीटा वायरस में साइटोमेगालो है और ह्यूमन हर्पीस 6-7 दोनों आ रहे हैं, ये लेटेंट इन्फेक्शन साइटोमेगालो ग्लैंड्स एंड किडनीज में ज्यादातर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन हर्पीस 6-7 लिम्फोइड टिश्यू में लेटेंट इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। गैमा में एप्स्टीन-बार वायरस आ रहे हैं, किप्रोसी वासाकोम एसोसिएटेड हर्पीस वायरस आ रहे हैं, और ये लेटेंट इन्फेक्शन कर रहे हैं लिम्फोइड टिश्यू में। बार हम लेटेंट इन्फेक्शन को लेटेंट इन्फेक्शन, और लेटेंट इन्फेक्शन हम इसी ग्रुप में बोलते हैं ज्यादातर। हर्पीस वायरस आर नोटेड फॉर देयर एबिलिटी टू कॉज लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट क्या है, द एक्यूट डिजीज इज फॉलोड बाय एन एसिम्प्टोमेटिक पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द वायरस रिमेंस इन अ क्वाइसेंट स्टेट, क्वाइसेंट मीनिंग द साइलेंट स्टेट, साइलेंट को लेटेंट भी कहते हैं। अच्छा, जब कभी व्हेन द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू इनसाइटिंग एजेंट और एन इम्यूनोसप्रेशन ऑकर्स,
तो रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस रेप्लिकेशन एंड डिजीज का मतलब इसका मतलब है कि जब कभी बाद में जब कभी कुछ सालों के बाद वो पेशेंट अगर लेट से इम्यून सप्रेशन होती है लेट से कोई इनसाइटिंग एजेंट को एक्सपोज होता है तो वायरस अगेन रेप्लिकेट करेगा रीएक्टिवेट होगा डिजीज कॉज करेगा। जब रीएक्टिवेशन होती है तो क्या होगा? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के केस में सिम्टम्स ऑफ द सबसीक्वेंट एपिसोड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द इनिशियल। इसका मतलब ये है कि उसमें जो रीएक्टिवेशन होगी उसमें भी साइन सिम्टम्स वही होंगे जो प्राइमरी इन्फेक्शन में। वेरिसेला ज़ोस्टर में जो साइन सिम्टम्स हैं रीएक्टिवेशन में वो डिफरेंट होंगे। ये आपको मैं जनरलाइज बातें बता रहा हूँ ताकि आप जब आगे चल के पढ़े तो ये सब बातें उसके अंदर कवर हो जाती हैं। अब हम चलेंगे इंट्रोडक्शन से निकल के हर्पीस सिंप्लेक्स। अब जो पहला ग्रुप है उसको पढ़ने लगे। सबसे पहले हर्पीस सिंप्लेक्स में दो वायरस आते हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2, ठीक है? दे बिलोंग टू अल्फा हर्पीस वायरस फैमिली, ठीक है? इसका मतलब है हर्पीस वायरस की सब फैमिली अल्फा में बिलोंग करती है। मैन इज द ओनली नेचुरल होस्ट फॉर हर्पीस वायरस। ये मजे की बात है, ये दोनों वायरसेस एक दूसरे से स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली और दूसरा लोकेशन ऑफ द लीजन, यानी जो ये रैश बना रहे हैं या लीजन या जख्म बना रहे हैं उस पर फर्क है। इसमें जनरल असूल याद रखिए, द लीजन व्हिच इज कॉज्ड बाय हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 are in general above the waist, ठीक हो गया? And those caused by 2 are below the waist. तो इसका मतलब है कि in general जो lesions हमारी waist से ऊपर हैं, वो हो रही हैं waist से ऊपर और 2 में below the waist. अच्छा, एक और बात इसमें आ रही है, herpes simplex virus 1 and 2 infect epithelial cells and they establish latent infections in neurons. उसका मतलब है कि ये दोनों एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करती हैं। ये भी बात मैंने आपको बताई कि जो आपकी अल्फा फैमिली है वो एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करती है। अच्छा, इसमें जो टाइप 1 है जो वेस्ट से ऊपर लीजंस कॉज करती है, इट इज जनरली एसोसिएटेड विद ओरोफेरिंजियल लीजंस जो मुंह में बनती है। इसलिए जब इनमें रिकरेंट अटैक भी होता है तो वो फीवर ब्लिस्टर्स जो आमतौर पर अजीब अजीब से मुंह के और लिप्स के गिर जो दाने बनते हैं ये वो बनती है। सबसे पहले जैसे पढ़ते थे, हम सबसे पहले जो जानना चाहते हैं वायरस के बारे में, कोई भी वायरस जो पढ़ रहे हैं, वो है कि उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। ठीक है, हम उसके जानना चाह रहे हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होती है। ट्रांसमिशन के लिए वी नीड टू नो दैट दिस इज विद द कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड सेक्रेशन। सबसे बात है उसकी जो पस और वेसिकल का जो पानी निकल रहा है, ट्यूब निकल रहा है, जब हम उससे कॉन्टेक्ट में आएंगे, लेकिन हम कैसे कॉन्टेक्ट में आएंगे? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 इज ट्रांसमिटेड प्राइमरली इन स्लाइम, क्योंकि वो जो कि ओरल ओरोफेरिंजियल म्यूकोसा में इन्फेक्ट करता है तो डेफिनेटली वो सलाइवा के जरिए ट्रांसमिट होगा फ्रॉम द माउथ। ऑन द अदर हैंड हर्पीस सिंप्लेक्स 2 जो कि ज्यादा जेनिटल एरिया में, इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 प्राइमरी इन्फेक्शंस आमतौर पर अर्ली ऑन इन लाइफ और खासकर बच्चों में होते हैं और इनमें कई दफा ये एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। अगर एंटीबॉडी बन भी जाए मगर वायरस एलिमिनेट नहीं होता फ्रॉम द बॉडी, कैरियर स्टेट बनता है दैट लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है? इसी को हम लेटेड पीरियड कहते हैं। इट इज इंटरप्टेड बाय रिकरेंट अटैक्स ऑफ हर्पीस। जो ओरोजेनिटल प्रैक्टिस हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, उसकी वजह से सिंप्लेक्स टाइप 1 इंफेक्शंस जेनिटल में भी हो जाते हैं और सिंप्लेक्स टाइप 2 लीजंस ओरल कैविटी में भी हो जाते हैं, लेकिन 10-20% केसेस में होती है। एनीवे, ये तो जो है आमतौर पर वेस्ट में हो रहा है। जनरली मैंने आपको पहले भी कहा है कि अबव द वेस्ट में हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन फेस पर होते हैं और सिंप्लेक्स 2 इन्फेक्शन जेनिटल एरिया पर होते हैं। अब हम आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस में। वायरोलॉजी में मैंने आपको फिर कहा है कि जो असल सवाल है वो पहले आएगा उसकी ट्रांसमिशन पे
उसकी और अगला सवाल होगा उसकी पैथोजेनेसिस पे। यहाँ हम बार बार कह रहे हैं कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन है एक पीटी हो सकता है। प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होगा? अगेन जो उसका एक्सटर्नल रूट है वहां से उसके बॉडी में एंटर होता है, वो कैसे एंटर होगा? Herpes simplex virus is transmitted by contact of a susceptible person with an individual excreting virus. First, करें एक बंदा जिसको herpes simplex infection है, उसका contact किसी और person से हो। The virus must encounter mucosal surfaces. या तो वो mouth to mouth हो, या वो sexually हो, या skin broken भी है, क्योंकि unbroken skin में से enter नहीं होता। तो सबसे पहले virus जब enter हो गया, it is going to replicate at the site of infection. तो जहां वो एंटर हुआ है सबसे पहले वहां वो रेप्लिकेट करेगा। अच्छा, अब जब वो रेप्लिकेट करेगा तो उसके बाद इट इन्वेड्स द लोकल नर्व एंडिंग्स और वहां से इट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड बाय रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो टू द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो वहां नर्व एंडिंग्स को इन्वेड करेगा और उसके बाद अल्टीमेटली रिवर्स गियर लगाएगा और डॉर्सल रूट गैंग्लिया में पहुंचेगा और यहां ये साइलेंट स्टेट में रहेगा इन द सेंसरी गैंग्लियन सेल्स। अच्छा, इसमें भी जनरल रूल है कि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 बिकम्स लेटेंट इन द ट्राइजेमिनल गैंग्लिया और 2 जो होते हैं वो इन द लंबर एंड सेक्रल गैंग्लिया लेटेंट रहते हैं। तो अब हमारे पास एक कॉमन बात आ गई कि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जनरली गैंग्लियन सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ये फंस बॉडी में एंटर होंगे, एट द साइट ऑफ इंफेक्शन रेप्लिकेट करेंगे, उसके बाद लोकल नर्व एंडिंग्स को के रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो बैक टू द सेंसरी गैंग्लिया और सिंप्लेक्स वायरस 1 में ट्राइजेमिनल और 2 में लंबरोसैक्रल गैंग्लिया को वहां लेटेंट स्टेट में रहेंगे। ये अगर हम पैथोजेनेसिस को डायग्रामेटिकली देखना चाहें, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसमें यह होगा कि इसमें इनिशियल इंफेक्शन साइट है और यहां से रेप्लिकेट करने के बाद दे आर गोइंग टू माइग्रेट थ्रू द न्यूरॉन्स टू द सेंसरी गैंग्लिया, ठीक है, और यहाँ ये लेटेंट स्टेट में रहेंगे। उसके बाद जब कभी री इन्फेक्शन होगी तो ये दोबारा वापस उस इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन में जाएंगे और फिर री इन्फेक्शन करते हैं और ये री इन्फेक्शन आमतौर पर स्ट्रेस स्टिमुलाई अल्ट्रावायलेट लाइट फीवर हार्मोनल चेंजेस एनीथिंग, इसका मतलब है इसमें एंटीबॉडीज रीएक्टिवेशन नहीं करते। और ये नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 ये ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में और 2 सेक्रल और लंबर गैंग्लिया में मौजूद होते हैं। अच्छा, प्राइमरी हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन आमतौर पर माइल्ड होते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन आमतौर पर माइल्ड होता है, कहीं कहीं सिम्टोमेटिक होता है, खास साइन सिम्टम्स नहीं आते और रेयरली कोई सिम्टोमेटिक सिस्टेमिक डिजीज अफेक्ट्स। ओकेजनली कहीं दफा होता है, दे कैन एंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और तब ये फिर मेनिनजाइटिस और एन्सेफलाइटिस कॉज करते हैं उसमें। अच्छा, इसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट है, ऐसा होस्ट जिसमें आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई भी है, उसमें ये मल्टीपल ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। अब आ जाएगा लेटेंट इन्फेक्शन। वायरस इज गोइंग टू रिजाइड इन द लेटेंटली इन्फेक्टेड एरिया इन अ नॉन रेप्लिकेटिंग स्टेट। वायरल परसिस्टेंस इन द लेटेंटली इन्फेक्टेड गैंग्लिया लास्ट्स फॉर लाइफ टाइम। इसका मतलब है कि जब ये इनिशियल साइट से सेंसरी गैंग्लिया में चला जाएगा तो वहां ये सारी उम्र रहेगा और उधर जब कभी रिएक्टिवेट होगा उसके लिए इंड्यूसर्स होते हैं, उस वक्त ये डाउन द न्यूरॉन माइग्रेट करेगा और वापस स्किन में जाएगा और वहां लीशन कॉज करेगा। द वायरस फॉलोज एक्सॉन बैक टू द पेरिफेरल साइट एंड रेप्लिकेशन प्रोसीड्स एट द स्किन एंड म्यूकस लेयर। इम्यूनिटी आपकी लिमिट करेगी लोकल वायरल रेप्लिकेशन ताकि रीइंफेक्शन जो है वो लेस एक्सटेंसिव एंड लेस सीवियर। बहुत सारे रिकरेंट इन्फेक्शन भी सिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, कई दफा सिर्फ किसी पेशेंट में वायरल शेडिंग नजर आती है, लेकिन अगर उनके साइन सिम्टम नजर आए तो वो ज्यादातर लिप्स के गिर कोल्ड सोर्स या फीवर ब्लिस्टर नजर आते हैं। More than 80% of the human population में herpes simplex latent form, बहुत थोड़ी population रिफेस दिखा। अब ये नहीं पता, हमें ये नहीं आइडिया why some individuals have reactivations and other don't, हमें इस बात का नहीं पता कि कईयों में reactivation क्यों होती है कईयों में क्यों नहीं होती। इसमें जो typical skin lesion है वो vesicle है that contains serous fluid filled with virus particles and secretions। मैंने आपको कहा था कि इसमें वेसिकल बनती है सिंप्लेक्स टाइप 1-2 दोनों में, जब ये वेसिकल रप्चर करती है तो वायरस लिबरेट होता है और ये दूसरे इंडिविजुअल्स को भी जा सकते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स आमतौर पर एट द बेस ऑफ हर्पीस वायरस लीजन मौजूद होती है।
ये आपके सामने एक और डायग्राम है, ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं वायरस विच इज एंट्रिंग थ्रू द म्यूकोसल सरफेस और स्किन, अगर वो ब्रोकन है, जब वो यहाँ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा और नर्व एंडिंग से पहुंच जाएगा और नर्व एंडिंग के जरिए रिट्रोग्रेड एक्सोनल ये गैंग्लिया में आ जाएगा. It settles in the nerves near the spine. अच्छा, जब कभी रिएक्टिवेशन होनी होगी तो वापस वहां से इन स्पाइन से दोबारा वापस जाएगा along the nerves back to the skin और यहां वो दोबारा blisters बन लेगा, वो जो vesicles बनती है. और कई दफा वो जब वापस आएगा तो asymptomatic रहेगा, आ तो जाएगा लेकिन वो खास blisters नहीं बनेगा. That means कि हम बात कर रहे हैं asymptomatic केस की और ये वो केस है जो symptomatic है जिसमें blisters या vesicles बन रहे हैं. हमारे सामने herpes simplex virus 1 की डिजीज कौन सी और 2 के कौन सी है, तो मैंने आपको कहा था कि इन जनरल टाइप 1 में जो लीजन होती है वो अबव द वेस्ट है, टाइप 2 में लीजन बिलो द वेस्ट है. टाइप 1 में जो लीजन होंगी वो माउथ पे ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको ओरोफेरिंजियल डिजीज है, जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस. अगेन ये डिजीजेस आपसे कई दफा पूछे जा सकते हैं इस सेंस में कि एमसीक्यू आ सकता है. तो ये जो जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस है ये प्राइमरीली चिल्ड्रन में होता है और बड़ा सीवियर होता है और 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाता है. ये आपके सामने बच्चों में जैसे कि ये केस है, जैसे कि उनके लिप्स में सामने जो लीजन है वो बन रही है और बाद में जब कभी रिएक्टिवेशन हो या ठीक हो तो ये वो फीवर ब्लिस्टर्स जिनको मैं आपको हर्पीस लेबियलिस कह रहा था, ये वो चीज है. फिर इसके अलावा ये जो herpes simplex 1 है ये keratoconjunctivitis, कंजक्टिवाइटिस, इसके मतलब है आंखों में corneal ulcers हो रहे हैं, encephalitis जो कि necrotic lesion है temporal lobe, herpes simplex 1 encephalitis has a high mortality rate. फिर इसमें herpetic vitiligo है जो कि skin of finger of hands में जो कि खासकर doctors में होता है जो patient की lesions को देखती है, तो herpetic vitiligo हाथ पे है. इसी तरह इसमें herpes gladiatorum है जो wrestlers में होते हैं जो आंखों पर जो close fighting करती है, तो हेड नेक और ट्रंक में जो क्लोज कॉन्टैक्ट में वो पर्सन जिसे हर्पीस है उनके अंदर हो सकता है. फिर इसमें एक्जीमा हर्पेटिकम है जो इन्फेक्शन ऑफ स्किन और डिसमिनेटेड इन्फेक्शन है लाइक ओसोफेजाइटिस एंड निमोनिया. अगेन इन जनरल ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इन जनरल याद होगा सारी बात के बाद कि फेस्ट के ऊपर जो लीजन्स हैं खासकर जो ओरल ओरोफेरिंजियल लीजन्स हैं वो अमूमी तौर पर सिंप्लेक्स टाइप 1 कर रहे हैं. इसी तरह सिंप्लेक्स टाइप 2 जेनिटल लीजन्स करता है, तो इसमें जेनिटल हर्पीस पेनफुल वेसिकुलर लीजन्स ऑफ द मेल फीमेल जेनिटल एंड एनल एरिया. इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा जेनिटल लीजन्स दे सकते हैं. दैट इज कि दफा ये सवाल एक नंबर का आ जाता है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिंप्लेक्स टाइप 2, ठीक है. तो ये आपके सामने एक्स्ट्रा जेनिटल लीजन्स हैं एंड एसेप्टिक मेनिनजाइटिस. उसके अलावा न्यूनेटल हर्पीस है बच्चों के अंदर जो खासकर जो मदर इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से न्यूबॉर्न जो है ही कैन एक्वायर हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन आइदर इन यूट्रो आइदर ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ एंड ट्रांसमिशन टू अ न्यूबॉर्न ड्यूरिंग बर्थ बाय कॉन्टैक्ट विद हर्पेटिक लीजंस इन द बर्थ कैनाल. तो इसलिए आमतौर पर जो मदर्स अगर उन्हें इन्फेक्शन है तो उनके बच्चों को बचाने के लिए टू अवॉइड इन्फेक्शन डिलीवरी बाय सीजेरियन सेक्शन इज यूज्ड. 75% of neonatal herpes simplex type 2 virus. ये table important है, ये आपको book में मिला हुआ है, पर ये सवाल आमतौर पर आता भी है, what are the differences between simplex type 1 and 2? और ये tabulated form में आप लिख सकते हैं. Number 1, the characteristics हैं the site of latency. Latent form में simplex type 1, trigeminal ganglia में, 2, sacral ganglia में. ये बात हमने पढ़ी थी. प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो सिंप्लेक्स टाइप 1 में यंग चिल्ड्रन में और 2 में यंग एडल्ट्स में. ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स में आमतौर पर कॉन्टैक्ट सलाइवा की वजह से और इसमें सेक्सुअल. इसी तरह ओरल लीजंस आपने जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस जो है वो टाइप 1 में प्लस यस इसमें होती है, टाइप 2 में नहीं है. केराटिक कंजंक्टिवाइटिस जो आईज में है वो टाइप 1 में है, टाइप 2 में नहीं है. कोल्ड सोर फीवर ब्लिस्टर्स टाइप 1 में है, 2 में नहीं है. फिर स्किन लीजंस अबव वेस्ट टाइप 1 में और बिलो वेस्ट टाइप 2 में है. मैंने इनके आगे प्लस माइनस बनाया है. मैंने ये प्लस माइनस क्यों बनाया है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिसेस लेट्स से जो ओरल सेक्शुअल प्रैक्टिसेस होती हैं उसकी वजह से ये दीस लीजंस कैन बी मिक्स्ड अप. इसी तरह जेनिटल हर्पीस आमतौर पर टाइप 2 में और एनसेफेलाइटिस टाइप 1 में.
तो ये हमारे सामने एक टेबल है. दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट, दिस टेबल इज प्रेजेंट इन योर बुक, एंड ये टेबल जो होगा ये आपने जरूर पढ़ा है, ठीक है. तो इसके बाद हम आ जाते हैं लैब डायग्नोसिस में. अच्छा, लैब डायग्नोसिस में चूंकि वायरसेस में इन जनरल जो लैब डायग्नोसिस के पॉइंट्स हैं वो बैक्टीरिया के लैब डायग्नोसिस के पॉइंट से डिफरेंट है. सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि वायरस को हम कल्चर उस तरह नहीं कर सकते जैसे कि बैक्टीरिया को हम आम लैब में कर लेते हैं. बैक्टीरिया को तो आम लैब में हम सुकून से ब्लड में कौन की और मुख्तलिफ किस्म के ईगर्स हैं जिन पे हम उनको इनोकुलेट करते हैं और अल्टीमेटली हम उनको आइसोलेट कर लेते हैं. लेकिन वायरस ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि वायरस तो इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता. इसका मतलब है वायरस जो है वो इन सेल्स को इन्फेक्ट करेगा. मैंने आपको एक बात बताई थी पैथोजेनेसिस में कि वायरस जो सेल्स को इन्फेक्ट करता है उसकी वजह से सेल में जो इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट. अब वो जो साइटोपैथिक इफेक्ट है हम कई दफा उसको डिटेक्ट करते हैं लैब डायग्नोसिस. लेकिन अभी आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए लैब डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इसमें स्पेसिमेन हम देखेंगे क्या ले सकते हैं. नंबर वन, हम स्क्रैपिंग ले सकते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ फिजिकल. हम ब्लड ले सकते हैं अगर वो डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन है, CSF अगर मेनिंजाइटिस केस है, टिश्यू सैंपल लिया जा सकता है अगर उसने टिश्यू में इन्फेक्ट किया हुआ है. उसके बाद इसमें मैंने अगला लफ्ज बोला है साइटोपैथोलॉजी. अच्छा, साइटोपैथोलॉजी इन जनरल है माइक्रोस्कोपी, लेकिन इसमें होता यह है कि इसकी जो स्टेन्स होती है, स्क्रैपिंग्स होती है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेस ऑफ वेसिकल्स, ठीक है ना. और वो जो हम स्क्रैपिंग्स लेते हैं उनको फिर स्पेशल जेम्सा स्टेन लगाते हैं, और ये जो स्क्रैपिंग्स होती है इसको जो एक स्मेयर बनाया जाता है इसको जैंक स्मेयर कहते हैं. इसमें टी साइलेंट है जैंक स्मेयर. और इस जैंक स्मेयर में हम देखना क्या चाहते हैं? वी वांट टू सी द प्रेजेंस ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स. अगर मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स हमें माइक्रोस्कोपी में नजर आ जाए इसका ये मतलब नहीं कि वो वायरस नजर आ गया, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन्होंने आपस में फ्यूज होकर मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स बना लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स तो सिंप्लेक्स टाइप 1 में भी होते हैं, 2 में भी होते हैं, वायरस एग्जॉस्टर में भी होते हैं. तो इसलिए इसमें एक और सेंसिटिव टेक्निक भी अब आ रही है, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीजन डिटेक्शन, ठीक है. ये हमारे सामने जैंक स्मेयर है और जैंक स्मेयर को जब बनाते हैं माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो जिम्सा स्टेन में तो ये हमें जो है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स नजर आ रही है. अगेन ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये वायरस नहीं है, ठीक है. दूसरी चीज जो हमने साइटोपैथोलॉजी स्पेसिमेन के बाद देखी है वो है आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस. अच्छा, ये जो आइसोलेशन हम करते हैं इसके लिए मैं वर्ड यहाँ यूज करूंगा सेल कल्चर. आपने भी वर्ड यूज करना है सेल कल्चर. पूरी वायरोलॉजी में अगर कोई वायरस सेल कल्चर हो रहे हैं तो आप सेल कल्चर बोलेंगे. आपने ब्लड में कौन की नहीं बोलना. अगर आपने ब्लड में कौन की बोल दिया तो लैब डायग्नोसिस में वो अगला लफ्ज नहीं पड़ेगा, उधर ही उठा के उसको काटेगा. वायरस को हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द लीजन ग्रोथ इन सेल कल्चर. ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, काफी दिन लगते हैं इसमें, और ये आमतौर पर हर लैब में नहीं होता. ये स्पेशलाइज्ड रेफरेंस लैब्स होती हैं जहां वायरल आइसोलेशन होती है सेल कल्चर्स में. इसमें होता ये है कि जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं हम उनको उनकी ग्रोथ होती है और उसको फिर माइक्रोस्कोपी में हम देखते हैं टिपिकल साइटोपैथिक इफेक्ट, यानी कि वायरस की वजह से जो सेल में डिस्ट्रक्शन हुई है या सेल में जो इफेक्ट हुए हैं वो हमको देखते हैं माइक्रोस्कोपी में, और वो तकरीबन 1 से 3 दिन में नजर आते हैं. और आमतौर पर हम एलाइजर में भी इनको डिटेक्ट कर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. बहरहाल सेल कल्चर एक रूटीन लैब प्रोसीजर है. तीसरी चीज सीरोलॉजी है. सीरोलॉजी क्या है? इसका जो सीरम है उस पे हम इसमें न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होती है उनको डायग्नोसिस में लगा सकते हैं, लेकिन ये रिकरेंट इन्फेक्शन में इनका कोई फायदा नहीं. जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है हर्पीस में वो PCR है. लेकिन अगर जैंक्स में अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर डिटेक्शन PCR ये वायरस को वेसिकल स्वैब ब्लड CSF टिश्यू में डिटेक्ट करती है. एंड द PCR ऑफ वायरल DNA फ्रॉम CSF तो खैर मोस्ट सेंसिटिव मेथड है डिटेक्शन का एंड रेकमेंडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ हर्पीस मेनिंजाइटिस एंड एनसेफलाइटिस. क्योंकि साफ सी बात है अगर आप मेनिंजाइटिस का केस है आपने उसमें बैक्टीरियल जो कॉज है वो रूल आउट कर ली है, आपको समझ ही नहीं आ रही, तो आपने पढ़ा हुआ वायरल मेनिंजाइटिस भी होता है, तो वायरल मेनिंजाइटिस में हम हर्पीस को भी शामिल कर सकते हैं. तो
अब हमारे सामने चार चीजें हैं, स्पेसिमेन साइटोपैथोलॉजी है, उसके बाद हमारे पास इसमें आइसोलेशन है, जिसमें हम सेल कल्चर करेंगे, सीरोलॉजी है और मॉलिक्यूलर डिटेक्शन है। ठीक, ओके। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन में अर्ज ये है कि कोई वैक्सीन ना सिंपलेक्स वन के अगेंस्ट वैक्सीन है ना टू के अगेंस्ट वैक्सीन। दवाई दी जा सकती है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, कीमोप्रोफिलेक्टिकली भी दी जाती है। कीमोप्रोफिलेक्टिकली क्या होता है कि हम उसको प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेजर के लिए अगर कोई मेडिसिन दें तो उससे ये होता है कि वो जो पेशेंट है उसमें से द शेडिंग ऑफ द वायरस इज रिड्यूस्ड, और अगर रिड्यूस हो तो साफ सी बात ट्रांसमिशन रिड्यूस होती है। दूसरा ये होता है कि हम जिस पर्सन को है उससे कॉन्टेक्ट अवॉइड करें। तीसरा, फॉर वुमेन स्पेशली द सिजेरियन सेक्शन इज रिकमेंडेड, एंड खासकर जिनमें जेनिटल लीजन्स भी हैं एंड दे आर प्रेग्नेंट तो साफ सी बात है हमने फिर सिजेरियन रिकमेंड। इसी तरह सर्कमसीजन, जिसको हमारे यहाँ फिटने कहा जाता है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय हर्पीस सिंप्लेक्स 2। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा। इस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो तीसरी चीज हम पढ़ेंगे वो वैरिसेल ज़ोस्टर। वैरिसेल ज़ोस्टर को आम जबान में जो इससे इन्फेक्शन होता है वो चिकन पॉक्स है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स इज द हाई इम्पोर्टेंट आपके सामने एक डिजीज है जो यहाँ कॉमन भी है, बच्चों में बहुत आम है। तो दो डिजीजेज ये कॉज करता है, नंबर वन वैरिसेला जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, माइल्ड हाईली कंटीजियस। हाईली कंटीजियस से मुराद ये है कि एक से दूसरे को आराम से हो रहा है और खासकर ये बच्चों में चीफली होता है। इसमें क्या होता है, अगेन जनरलाइज्ड वेसिकुलर इरप्शन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में एक जनरलाइज्ड इरप्शंस होती हैं और उसके बाद ये जो डिजीज है वो यॉर्कर होता है। दूसरी जो डिजीज ये करता है वो ज़ोस्टर है, यानी इस नाम में ही आप देख लें वेरिसेला और ज़ोस्टर। तो वेरिसेला चिकन पॉक्स है और ज़ोस्टर जो होता है उसको शिंगल्स कहते हैं। तो शिंगल्स, ये जो ज़ोस्टर है ये आमतौर पर एडल्ट्स में, बड़ों में होता है, खासकर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। ये बड़ा पेनफुल, बहुत पेन, वेसिकुलर रैश होती है, स्पोरैडिक, इनकैपेसिटेटिंग की बिल्कुल महसूस करते हैं, लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्किन, इनर्वेटेड बाय अ सिंगल सेंसरी गैंग्लियन, यानी सिर्फ वो एक डर्माटोम में इफेक्ट होता है। डर्माटोम मींस कि सिर्फ एक स्किन प्रॉपर जो है एरिया, ये सिर्फ उनको इन्फेक्ट करता है। एंड दीज लीजंस आर आल्सो सिमिलर टू वेरिसेला। वेरिसेला एक्यूट डिजीज है जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट के बाद, इसका मतलब है कि ये जो वायरस है जब प्राइमरी इन्फेक्शन करता है तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन में डिजीज होता है वो चिकन पॉक्स होता है। ज़ोस्टर रीएक्टिवेशन होता है। ज़ोस्टर इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्शियली इम्यून होस्ट टू रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला वायरस प्रेजेंट इन लेटेंट फॉर्म इन न्यूरॉन्स इन सेंसरी गैंग्लिया। इसका मतलब ये है कि ये आएगा जब रीएक्टिवेशन होती है। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन वेरिसेला चिकन पॉक्स, रिएक्टिवेशन में ज़ोस्टर। अच्छा, अब इसमें चिकन पॉक्स में जो ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रही है? वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लीजंस। तो ये सांस से दूसरे को देखिए, इट इज अ हाईली कंटेजियस डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, और इसमें इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन का है। ये पीरियड को इंपॉर्टेंट है। अब एक बच्चे को वायरस उसमें एंटर हो चुका है। Incubation period means the time taken for the sign and symptoms to appear. अब इसका मतलब ये है कि वो बच्चा आपको तो ठीक लग रहा है, ठीक है ना? अब वो घर में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, वो उस वक्त दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड में है और अभी उसके साइन सिम्टम अपेयर नहीं हुए तो किसी को भी नहीं पता कि उसे चिकन पॉक्स हुआ। ठीक है ना, वेरिसेला पेशेंट इज प्रोबेबली इंफेक्शियस शॉर्टली बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश। अब देखिए ना, जब वो रैश बनती है तो उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो फिर बताता है कि हाँ जी चिकन पॉक्स है, लेकिन मजे की बात है वो पेशेंट उस अपीयरेंस ऑफ रैश से पहले ही इंफेक्शियस हो चुका है। ही इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ रैश। तो इसलिए, बल्कि मजे की बात है, जो रैश बन जाती है उसके कुछ दिन बाद तो ऑटोमेटिकली वो इंफेक्शियस नहीं रहता।
करते हैं कि सबसे बड़ी एहतियात होती है इसको दूर रखो, इसको परे रखो दूसरे बच्चों से। तो इसी वजह से अक्सर बच्चे स्कूल में जो दूसरों से एक्वायर करते हैं चिकन पॉक्स या आमतौर पर कजन से छोटे खेलते हैं, तो वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं। जो खास बात है चिकन पॉक्स में वो क्या है, दाने तो बनते हैं ये तो सारे बड़ी आम को पता है, लेकिन इसकी जो एक डायग्नोस्टिक फीचर है वो ये है कि इसमें एक वेव होती है, एक लहर होती है, एक अजीब इवॉल्वमेंट होती है रैश की। द रैश अपीयर्स इन क्रॉप्स ऑन द ट्रंक। क्रॉप ये फसल नहीं है, क्रॉप से मुराद आप कह सकते हो लहरों की फॉर्म में ऑन द ट्रंक। It spreads to the head and extremities. यानी कि सबसे पहले ये abdomen, chest area में से निकल के फिर ये head में और arms में, legs में जाने। और जो rash इसमें बनती है, it evolves from papule. Papule क्या था? वो जो hardened form of the lesion होती है जिसमें pus और fluid नहीं होता। उस papule से फिर vesicle बनती है, यानी कि fluid-filled vesicles। फिर pustule बनते हैं जिनमें pus होती है। And finally crust. ठीक हो गया? Varicella is mild in children, but more severe in adults. ये देखें ना, ये early chicken pox rash blisters जो ये बने हुए हैं, blisters इनको again इनको हम vesicles कह सकते हैं, और बाद में जब ये dry up हो जाती हैं, तो rash dry up होता है और इनके सिर्फ scratches और marks रह जाते हैं। ये इसकी stages होती हैं। Papule almost बिल्कुल appearance है समझिए of the lesion. और वो जो लीजन जब प्रिपेयर होती है तो फिर वो थोड़ी थोड़ी उसमें स्वेलिंग आना शुरू होती है पेप्यूल, लेकिन स्वेलिंग में तो फ्यूल कोई पास नहीं होती। बाद में उनमें पानी बनना शुरू हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो जो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स हैं वो जब अल्टीमेटली पस्यूल भी बन सकते हैं, और बाद में जब वो ठीक होते हैं क्रस्टेड वो बनते हैं, बिल्कुल उनके समझें कि एक बिल्कुल ड्राई आउट हो जाती हैं और फिर ठीक। इसमें जो पैथोजेनेसिस है वो क्या है वैरिसेला ज़ोस्टर? सबसे पहले रूट ऑफ एंट्री, कि हम अब क्या देख रहे हैं कि ये बॉडी में एंटर कैसे होगा। तो हमने पढ़ लिया कि वायरस में कैसे एंटर होगा, इट इन्फेक्ट्स द म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इंजेक्ट है। ठीक हो गया, इसका मतलब है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और कई दफा आंखों यानी जो जगह है उसमें ये इन्फेक्ट कर सकता है। जब ये वहां एंटर हो गया तो अब वहां रीजनल लिम्फ नोड्स में रेप्लिकेट करेगा। और उसके बाद ये फिर रीजनल लिम्फ नोड्स में मल्टीप्लाई करके ब्लड में और ब्लड के जरिए लिवर और स्प्लीन में चला गया। On the other hand, उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी वायरीमिया आएगा। सेकेंडरी वायरीमिया क्या होता है कि अब ये इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियर सेल्स वो ट्रांसपोर्ट करेंगे वायरस को टू द स्किन, हो सकता है ये लिवर स्प्लीन से निकल के फिर अब स्किन में आएगा, वहां जाकर ये टिपिकल रैश बनाएगा। उसके बाद एपिथेलियल सेल्स स्वेल करेंगे, बलूनिंग डीजनरेशन and accumulation of tissue fluid results in vesicle formation. तो ये vesicle बनते कैसे हैं? ये वो बता रहे हैं कि epithelial cells swell कर रही हैं, उसके बाद वो degenerate कर रही हैं और उसमें tissue fluid accumulate कर रही हैं। ये आपके सामने एक pathogenesis को simple form में I am explaining this in graphic form. This is very easy. On day zero, the infection of the conjunctiva and the mucosa of the upper respiratory tract. This appears and you can see here from eye and mouth, they enter, they replicate in the regional lymph nodes. On day 4 to 6, the primary viremia occurs, they go to the liver and spleen. So primary viremia occurring in bloodstream and then they replicate in liver and spleen. Achha, liver and spleen ke baad phir secondary viremia ho jayega. उसके बाद लिवर स्प्लीन से निकलते हैं एंड देन दे कॉज फॉर्मेशन ऑफ द स्किन अपीयरेंस ऑफ द वेसिकुलर रैश जो टिपिकल बनता है। ठीक है, तो ये डे 10 तक बनना शुरू हो जाता है आपके सामने। यू कैन टेक अ पिक्चर एंड स्नैप, इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपकी बुक में ऐसी पिक्चर नहीं। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि वेरिसेला वायरस जो है वो पैथोजेनेसिस कॉज कर रहा है। उसके बाद वायरस इन्फेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन्स।
or again it is in fact carried by retrograde axonal flow into the cells of dorsal root ganglia, jahan virus latent ho jayega. To ye herpes ki nishani hai ki ye latent form hai, point ho jayega. Yani chicken pox ka bachcha bhi theek bhi ho gaya to ye na samjhein ki wo virus usko body mein khatam ho gaya. Wo virus ab latent form mein dorsal root ganglia mein maujood hai. Later on in life, frequently at times of reduced immunity, ya local trauma, the virus activate ho jayega. लेकिन अब जब वो एक्टिवेट होगा तो अब ये नहीं करेगा कि वो पूरे बॉडी में फिर दोबारा से वैसे वो दाने बनाने शुरू कर देगा या रैश बनाने शुरू कर देगा जैसे उसने पहले. नाउ इट इज गोइंग टू कॉज द वेसिकुलर स्किन लीजंस एंड नर्व पेन ऑफ एग्जॉस्टन जो कि टिपिकल डर्मेटोइड स्किन एरिया. हाँ एक चीज है, वेरिसेला के खिलाफ अगर इम्यूनिटी होती है तो दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा. हाँ सॉस्टर हो, सॉस्टर और वेरिसेला में फर्क है, ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको थोड़ा समझ लो. लेकिन आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि वेरिसेला जो है वो बॉडी से जा तो नहीं रहा, तो आप कहेंगे फिर इम्यूनिटी किस चीज की मिल रही है. इम्यूनिटी इस चीज की मिल रही है कि दोबारा उसे वेरिसेला नहीं होगा. सॉस्टर एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो बॉडी की होगी जब कभी वायरस रीएक्टिवेट होता है, ठीक है ना. इसका मतलब है रीएक्टिवेट होने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी इतना तो उसे काबल बनाती है कि पूरे बॉडी पे इंफेक्शन ना हो, लेकिन एक लोकल डर्माटोम में वो स्किन इंफेक्शन हो सकता है. ये मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाना चाह रहा हूं. ये लेफ्ट साइड पे सारी डायग्राम वेरिसेला इंफेक्शन की है और ये एग्जॉस्टर की है. वेरिसेला में आप देखें कि एग्जॉस्टर इंफेक्शन एंटर्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, लोकल अगेन उसकी रीजनल लिम्फ नोड रेप्लिकेशन हुई, वो ब्लड में एंटर हुआ और पूरे स्किन में ब्लिस्टर स्पॉट्स कर दिए. जब ये सारा कुछ उसने कर दिया तो रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट उसकी कहां हुई, टू द सेंसरी गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गई. अब यहां लेटेंट फॉर्म में वो बैठा हुआ. अब जब रीएक्टिवेशन होगी तो रीएक्टिवेशन जब होगी तो दोबारा उस स्किन में जो लीजन पॉज करेगा वो एक स्पेसिफिक नर्व जो गैंग्लियन है, जो स्पेसिफिक डर्माटोम है, सिर्फ उसमें लीजन पॉज करेगा, ठीक है. सो द पर्सन इज इम्यून टू वेरिसेला आफ्टर वंस उसे वेरिसेला हो गया, मगर जोस्टर हो सकता है जो एक इम्यून रिस्पॉन्स है. ये वेरिसेला में और जोस्टर में फर्क है. वेरिसेला प्राइमरी इंफेक्शन है, जोस्टर वेरिसेला पूरे स्किन में लीजन होती है, खासकर ट्रंक्स में पहले होती है और फिर वो स्प्रेड करती है टू द एक्सट्रीमिटीज एंड हेड. और ये जो है रीएक्टिवेशन है जो कि सिर्फ एक डर्मेटोम एरिया में होती है. क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 14 टू 21 डेज, उसके बाद फीवर होता है इसमें, एक वीकनेस होती है इसमें, पेपिलो वेसिकुलर रैश बनती है इन क्रॉप्स ऑन द ट्रंक्स एंड स्प्रेड्स टू द हेड एंड एक्सट्रीमिटीज. और आफ्टर दैट द रैश इवॉल्व्स पेपिलो टू वेसिकल्स पस्टुल्स एंड फाइनली क्रस्ट. ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए आप कहेंगे कि एमसीक्यू आता है तो रैश तो आपने सिंप्लेक्स टाइप 1 में भी कहा, 2 में भी कहा, तो हम कैसे कहें कि ये क्वेश्चन जो है ये चिकन पॉक्स है या वेरिसेला जोस्टर है. मैं फिर वही कह रहा हूँ, द रैश इसमें एक एमसीक्यू में आएगा, इट इवॉल्व्स फ्रॉम पेप्यूल्स टू वेसिकल्स पस्टुल्स एंड फाइनली क्रस्ट, यानी अपेयरिंग इन क्रॉप्स. तो ये क्वेश्चन जो होगा ना इसमें वो रैश चेंज हो रहा होगा, पेप्यूल बन रहे हैं, फिर वेसिकल बन रहे हैं, वेसिकल पेप्यूल पस्टुल बन रहे हैं, क्रस्ट बन रही है. तो आमतौर पर बच्चों में इचिंग यानी खारिश होना प्रोमिनेंट सिम्टम है, स्पेशली व्हेन द वेसिकल्स आर प्रेजेंट. वेरिसेला इज माइल्ड इन चिल्ड्रन मगर एडल्ट्स में सीवियर है. ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशन रेयर ही है वैसे. आमतौर पर वेरिसेला निमोनिया एंड एनसेफेलाइटिस कैन ऑकर, रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं. जोस्टर के बारे में, उसमें ऑकरेंस ऑफ पेनफुल वेसिकल्स अलोंग द कोर्स ऑफ अ सेंसरी नर्व ऑफ द हेड एंड टेल, उसकी पिक्चर है. पेन कैन लास्ट फॉर वीक्स. पोस्ट जोस्टर न्यूरेल्जिया बहुत डिबिलिटिंग यानी खासकर बड़ा पेनफुल होता है, ठीक है. इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स लाइफ थ्रेटनिंग डिसमिनेटेड इन्फेक्शन सच एज निमोनिया भी हो सकता है. इसमें पहली बात याद रखें कि लैब डायग्नोसिस हम पढ़ तो रही हैं लेकिन आम तौर पर इन जनरल जो वेरिसेला का जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है. इट इज नॉट ऑन द लैब डायग्नोसिस. कुदरती बात है, पेशेंट आया, बच्चा आया, तो जो पीडियाट्रिशियन होती है वो आमतौर पर फॉरन क्लिनिकल डायग्नोसिस करती हैं और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती हैं. और इसमें कोई जरूरी इतना लैब डायग्नोसिस नहीं होता, ठीक है. बहरहाल अगर लैब डायग्नोसिस इसमें किया जाए या
जो मेथड्स हैं इसके लिए यूज किए जाएं, तो उसमें स्क्रैपिंग्स हैं जो लीजन्स ली जाती हैं। साइटोपैथोलॉजी में अगेन वही जैंक स्मियर है जिसमें हम मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स देख सकती हैं। वायरल आइसोलेशन ऑन सेल कल्चर वो होती है, ये देखें सेल कल्चर दोबारा मैंने बोला, तो अब आप आपने जहन में रट्टा लगाना शुरू करना है कि यहाँ सेल कल्चर हो सकता है। सीरोलॉजी राइज इन एंटीबॉडी टाइटर, उससे हम डायग्नोज कर सकती हैं वेरिसोला, लेकिन जोस्टर को कोई फैक्टर नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें वो प्रिवेंशन है। तीन वैक्सीन हैं जो वेरिसोला जोस्टर के अगेंस्ट हैं बच्चों के लिए, एक जो वेरिसोला प्रिवेंट करती है उसे वेरीवैक्स करती है, और दो जो है जो जोस्टर प्रिवेंट करती है। इन दोनों में लाइव एटीनेटेड वेरिसोला जोस्टर, लाइव कौन सी है, वीकेंड फॉर्म ऑफ द वेरिसोला है, बट द जोस्टर वैक्सीन उसमें 14 टाइम्स मोर वायरस है देन द वेरिसोला वैक्सीन, ठीक है ना। तो ये बच्चों में, वैसे हमारे ईपीआई प्रोग्राम में तो इंक्लूडेड नहीं है चिकन पॉक्स वैक्सीन, लेकिन बाहर हमारे यहाँ पेडियाट्रिशियंस जो होती हैं प्राइवेट वो लगाती हैं चिकन पॉक्स के अगेंस्ट, वेरिसोला के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन होती है वो होती है। इसमें एक और वैक्सीन भी है विच इज कॉल्ड शिंग्रिक्स, विच इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विच कंटेन्स वेरिसोला जोस्टर वायरस एंड वेलप ग्लाइकोप्रोटीन एज एन इम्यूनोजन। इसका मतलब है कि जो वायरस का पार्टिकल कौन सा है जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट बॉडी इम्यूनिटी लॉन्च होगी, तो ये शिंग्रिक्स में वो है। तो लेकिन ये जोस्टर की दोनों वैक्सीन जो हैं दे आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द सिम्टम्स बट डू नॉट इरेडिकेट द लेटेंट स्टेट। इसका मतलब है कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो लेटेंट स्टेट खत्म कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स प्रिवेंट कर रही है। जो वेरिसोला वैक्सीन इट इज रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 1-12 ईयर्स, जोस्टर इज रिकमेंडेड फॉर पीपल ओल्डर देन 50 ईयर्स या जिनको कभी पहले वेरिसोला हो गया। एक और चीज जिन में रखी है कि बोथ दीज वैक्सींस कंटेन लाइव वायरस, लिहाजा दे कैन नॉट बी गिवन टू इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स और प्रेग्नेंट वुमन। यहां तक हमारा जो लेक्चर है आज का वो खत्म हुआ। आगे जो है वो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन-बार वायरस और इसके अलावा जो रोसी सार्कोमा, वो सब चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन उनको एक डिटेल्ड एनालिसिस उसके लिए चाहिए। तो यहाँ तक अगर मैं आपको सम अप करूँ तो आपने हर्पीस वायरस जो है वो पढ़े हैं, ये डीएनए फैमिली है, एनवेलप वायरसेस हैं। मैंने इनकी रेप्लिकेशन नहीं सुनाई इस लेक्चर में, क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको रेप्लिकेशन पढ़ाई है तो रेप्लिकेशन में आपने, मैंने आपको जनरलाइज बता दिया कि डीएनए वायरसेस कैसे रेप्लिकेट करते हैं, आरएनए वायरसेस कैसे रेप्लिकेट करते हैं। अब अगर लेट से सवाल आ जाए हर्पीस कैसे रेप्लिकेट करती हैं, तो आपके लिए बड़ा सिंपल है कि आप हर्पीस की डीएनए वायरस की रेप्लिकेशन लिख दें, और हाँ जब वो लास्ट स्टेप फाइनल इवेंट्स आए तो उसमें आप लिखते हैं कि इनकी जो बडिंग होती है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकी एनवेलप करता है। बाकी मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइंस और लेटेंट इन्फेक्शन होता है, इसमें हर्पीस सिंप्लेक्स 1 जो होती है वो अबव द वेस्ट और 2 जो है बिलो द वेस्ट इन्फेक्शन क्रॉस करती है, और इसके अलावा इसमें जो हर्पीस हैं हर्पीस सिंप्लेक्स 1 और 2 उसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन वेरिसेला जोस्टर वेरिन की वैक्सीन है, ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और ये भी बताएं कि बाकी टाइम ऑडियो कैसी थी। What are the conditions that cause reactivation of virus? Reactivation stress की वजह से हो सकती है, trauma की वजह से हो सकती है, immunity आपकी compromise हो जाए, immunity reduce हो जाए, किसी भी वजह से उसकी वजह से हो सकती है। अच्छा, पहली बात है कि बच्चों में वायरसेला mild क्यों है और severe क्यों है adults में। पहली बात तो ये है कि severe adults में इस वजह से है कि उनमें reactivation होती है। बच्चों में माइल्ड इसलिए है कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन जो हो रहा है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन बच्चों में हो रहा है, तो वो उनके एपिथेलियल सेल्स को इफेक्ट करता है, उनके स्किन में इफेक्ट करता है, ब्लिस्टर्स कॉज करता है, इचिंग होती है, लेकिन शायद वो इम्यून रिस्पॉन्स ही प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता जिसकी वजह से इतना, और दूसरा वो प्राइमरली फर्स्ट टाइम उनको इन्फेक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज माइल्डर। ऑन द अदर हैंड जो एडल्ट्स होते हैं उनमें वेरिसेला एक दफा हो चुका हुआ है, जब एक दफा हो चुका हुआ है तो जब रिएक्टिवेट होगा तो इम्यूनिटी भी उसको कोशिश करेगी कि उसको लोकली उसको रेजिस्ट करे या उसको उसको स्प्रेड होने से रोके। तो ये भी एक वजह है कि शायद इसकी वजह से
हाँ जी, ऑडियो वॉज फाइन बट देयर इज स्टिल बैकग्राउंड नॉइज। पहली बात यह है कि मैं पहले मेरे ऊपर पंखा चल रहा था तो मैंने वो पंखा भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से आई थिंक कि ऑडियो बेहतर हुई होगी। मेरा ख्याल है जो पंखे की आवाज़ और शोर होता है उसकी वजह से भी ज्यादा होता है। बाकी जो बैकग्राउंड नॉइज है वो तो उधर की बात है कि जिस कमरे में हम बैठे नहीं हैं उस कमरे में कम से कम कोई 5-10 बंदे और भी हैं जो लेक्चर दे रहे हैं। कई जोश खिताबत से देते हैं, कई जरा आसानी से और आवाज कम करके देते हैं। तो वायरल ऐसा ही है, इसके साथ ही हम चल रहे हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। अच्छा, ये जो कोरोना की कुदरती आफत कब दुरुस्त हो जाएगी? देखिए, मैं जब उस पर रेस्पिरेटरी वायरसेस में आऊंगा मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहली बात मैं आपको साफ बता दूं, क्लियर बता दूं, वाजे बता दूं कि जब आप पैंडेमिक कह देते हो और लफ्ज पैंडेमिक बोल देते हो तो पैंडेमिक का मतलब होता है वेव्स, लहरें, समंदर की लहरें। और ये जो लहरें होती है ना, एक नहीं होती, ये फिर एक आती है जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है। तो इसमें दो ही तरीके हैं बचने के, या तो एक बंदा इन्फेक्ट हो जाए और उसके बाद उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, और दूसरा तरीका ये है कि उसको वैक्सीन मिल जाए। ठीक है, बाकी जहां तक कुदरती आफत है तो ये अल्लाह की तरफ से है। तो वैक्सीन जो भी है वो लॉन्च हो, मार्केट में आए, उसमें कम से 12-18 महीने लगते हैं। और आप ये भी ध्यान में रखिए कि वैक्सीन जो आएगी उसके लिए अल्टीमेटली इरेडिकेशन प्रोग्राम बनेगा, वैक्सीन की डोजेस होंगी, और ये भी देखना है कि वो अच्छी होगी या बुरी होगी। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।